आपके बचपन के बारे में थोड़ा बताइए। मैं नालंदा एकेडमी स्कूल में थी, टाउन में, बाबू नॉर्मल। मैं नालंदा एकेडमी थी, एकेडमी में थी, सॉरी कार्टून में, ओके। मैं नालंदा एकेडमी में थी, टाउन में, बाबुलनाथ में, वहाँ मेरा बचपन था, स्कूल। और जैसे आपने वो कट्स लिए हैं, माय फ्रेंड्स, आई हैड अ वेरी गुड ग्रुप, इंक्लूड्स जिमित, प्रीतेश, तेजस, चार्मी, प्रीति, सब लोग। और मैं बहुत ही बबली और बड़बड़ हमेशा वैसी लड़की थी। और मैं स्टडीज में भी अच्छी थी, मतलब स्टार्टिंग में फिफ्थ स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड में मुझे फर्स्ट रैंक आती थी, फिर एट नाइन्थ हुआ तो फिर एट नाइन्थ ही रैंक आ गई। और आई यूज़ टू लव माय मैथ्स टीचर एंड माय इंग्लिश टीचर प्रोफेसर। और मैं अपने कॉलेज की, मेरे अपने ग्रुप की हेड थी, तो आई वॉज वेरी यू नो वन्नबी टाइप्स एंड ऑल दैट, नो वन कुड डू एनीथिंग विदाउट मी, वैसी थी। और अच्छा था मेरा बचपन, माई स्कूल। एंड देन आई वॉज इन सिडनम कॉलेज, आई हार्डली अटेंडेड कॉलेज क्योंकि मैं ये मॉडलिंग लाइन में आ गई और एक्टिंग करने लगी। बट वहाँ भी मैं बहुत पैम्पर्ड थी क्योंकि मैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मैं आती थी तो जहाँ भी प्रोफेसर के पास आती थी, सर अटेंडेंस, अरे यू आर इन क्योंकि ना, डोंट वरी, ऐसा था। तो लाइक चलो ठीक है, ओके, यू नो। और एग्जाम पे भी मुझे कभी कभी कॉपी करने मिलता था क्योंकि सबको मालूम था कि मैं शूटिंग कर रही हूँ तो इसके पास टाइम नहीं है, तो मुझे कॉपी करने देते थे बिंदास। तो दैट इज स्कूल और कॉलेज में हैड अ रॉकिंग लाइफ। टेल मी समथिंग अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स। माय पेरेंट्स, माय मॉम इज राइट हियर। आई एम टू अटैच्ड विद माय पेरेंट्स, स्पेशली माय मॉम। हिंदी, ओके। मैं अपने पेरेंट्स से बहुत अटैच हूँ पहले से भी। लेट मी टेक यू टू माय डैड। मेरे पापा और मेरा बचपन से, मतलब मैं ऐसी लड़की हूँ कि मुझे जो बहुत फ़ोन ना करे और बहुत पूछे नहीं तू कहाँ है, तू क्या कर रही है, कितने बजे आने वाली है, फ्रेंड्स के साथ जा रही है। और मेरे पापा हमेशा वैसे थे, 10-10 मिनट में मुझे फ़ोन करते थे कि ये कर, तू कहाँ है, कभी आ रही है। 11 बज गया और उससे 10 मिनट हो गए तो मतलब मैं मर गई, यू नो। वैसे तो मुझे बहुत पहले टेंशन था, पापा फ़ोन करेंगे, पापा फ़ोन करेंगे, तो वैसे था। तो आधा टाइम मेरा झगड़ा चल रहा था मेरे पापा के साथ के नहीं मत मुझे फ़ोन करो, पापा बोलते नहीं मैं फ़ोन करूँगा, मैं वैसा ही हूँ क्योंकि अब पैम्पर्ड यू अर लॉट, यू नो, व्हेन यू वर स्मॉल एंड आई एम टू अटैच माई, ही वॉज टू अटैच विद मी। बट मम्मा वॉज वेरी कूल, दैट्स व्हाई आई वॉज मोर, आई वी बोथ वर, यू नो, वी जेल टुगेदर एंड ऑल दैट। सो मम्मा के साथ जो भी मुझे सीक्रेट्स बतानी थी, मम्मा मुझे ये लड़का पसंद है, मम्मा मुझे वो लड़का पसंद है, सब मुझे मैं मम्मी को बताती थी, स्कूल, कॉलेज, एवरीथिंग। सो पहले से ही मैं मम्मा से ज़्यादा अटैच्ड हूँ, बिकॉज लड़की मम्मा से ही ज़्यादा अटैच्ड होती है, जो सीक्रेट होती है वो पापा से तो शेयर नहीं कर सकते। और मेरी बहन, उसके साथ तो मैंने, मुझे याद है मैंने सिर्फ झगड़े ही किए मेरी बहन के साथ। मैंने ऐसा कभी एक भी मोमेंट नहीं आया जहाँ मैंने उससे प्यार से बोला है दीदी, और या उसने मुझे बोला हो प्यार से करिश्मा। हम लोग हमेशा झगड़ते थे, पर वो झगड़ने में भी वो प्यार था। कैसे डिसाइड किया कि आपको आपको एक्टिंग करना है, और आपका फर्स्ट ब्रेक कौन सा था? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग लाइन में आऊँगी। मैं हमेशा मम्मी से बोलती, मुझे बचपन में बहुत लोग, मैं अच्छा डांस करती थी तो मेरी मासी और मेरे मामा और सब लोग मुझे बोलते थे कि यार ये तो जूही चावला जैसी है, माधुरी दीक्षित जैसी, मुझे सब चिढ़ा देते माधुरी, तो वो लोग बुलाते थे। और मैंने, मुझे हमेशा मॉडलिंग में जाना था, और वो सब मैंने कभी सोचा नहीं था मैं एक्टिंग करूँ क्योंकि नो एक्सपीरियंस एट ऑल। तो जब मैंने मम्मा को बताया, मैं SYJC की बोर्ड्स में थी, मैंने मम्मा को बताया मम्मा मुझे करना है, मम्मा लाइक फिनिश योर बोर्ड्स एंड देन विल डिसाइड अबाउट इट। पापा को बोला तो एज यूजुअल भड़कने लगे, पापा ये लाइन में जाना है, गुजराती फैमिली, दिस दैट। सो आई लाइक नो पॉइंट टॉकिंग टू माई डैड, लेट्स टॉक टू माई मॉम। तो मैंने मम्मी को बताया ये है, मम्मा ने भी पहले मुझे ना बोला था, फिर वो तेजस मजबूत माई फ्रेंड दैट टाइम आई वाज सीइंग हिम, उसको बताया, ही सपोर्टेड मी, ही कन्विंस्ड माई मॉम। एंड दैट्स हाउ मम्मा ने बोला चलो पोर्टफोलियो बनाते, तो मैंने पोर्टफोलियो बनाया, मैंने 2-3 प्रेस एड्स की सारी की, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय करियर, बट नेवर थॉट ऑफ एक्टिंग अगेन। देन समवन टोल्ड मी कि व्हाई नॉट टेक अ चांस एक्टिंग में, तो मैंने अपने पिक्चर सिर्फ बालाजी में दिए, किसी और सीरियल प्रोडक्शन हाउस में नहीं, सिर्फ बालाजी में दिए। एक महीने के बाद मुझे फ़ोन आया कमल सीरियल के लिए, दैट वॉज ऑन जी, आई वॉज प्लेइंग कमल सिस्टर, और मैंने 2 एपिसोड कर भी लिए थे, और एक्टिंग इतनी बकवास थी कि मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती। और किया, फिर मुझे फ़ोन लिया उन लोग का 2-3 दिन, तो मैंने बोला अरे यार मेरी एक्टिंग ख़राब होगी तो मुझे निकाल दिया होगा, तो मैं सबको फ़ोन करती थी बालाजी में, मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, फ़ोन क्यों नहीं किया।
तो मुझे निवेदिता बासु करके है, उसने मुझे बोला कि आई थिंक वी आर रिप्लेसिंग यू फ्रॉम कमल बिकॉज एकता वॉन्ट्स यू टू डू, क्योंकि तो एकता का फ़ोन आया, एकता की ई पी का फ़ोन आया कि वी आर नॉट सिलेक्टिंग यू बट कम एंड गिव द ऑडिशन. तो ऑडिशन मेरा कैसा था, मतलब ऑन द सेट्स विद तुलसी, विद बा, विद अपरा एंड एवरी वन, यू नो एवरी वन, जिन लोगों को मैं टी वी में देखती थी, तुलसी एंड बिग बिग कैरेक्टर्स, आई वाज सो नर्वस एंड आई हैड टू डू सीन्स विद एवरी वन एंड इट वॉज अ कॉम्बिनेशन सीन. और एक्टिंग का तो मुझे ए भी नहीं आता था, मैंने कैसे भी लाइन्स बोली और फिर वो टेप चैनल के पास गई, एकता के पास गई, आई वाज सिलेक्टेड. एंड लेट मी टेल यू इंदु, आई वॉज 101 ऑडिशन में से सिलेक्टेड. उसने कम से कम 100 लड़कियों को सिलेक्ट किया होगा इंदु के लिए, बट नो वन वॉज फिट फॉर इट, सो आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट.